एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। अगर आपने कुत्ते, बिल्ली, बंदर को पाला हुआ है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनके जाने के बाद भी आप हमारे और आपकी तरह ही उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, क्योंकि भारत में पहली बार बनने जा रहा है स्मॉल एनिमल क्रिमिटोरियम। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये फैसला लिया है कि द्वारका के 700 वर्ग मीटर के एरिया में इस एनिमल क्रिमिटेरियम को बनाया जाएगा। और अगर आप अपने पालतू जानवरों को उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो उस एनिमल क्रिमिटोरियम में कर सकते हैं। साउथ एमसीडी में ये बेसिकली बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे नगर निगम में अगर कोई कुत्ता मरता है या कोई आवारा कुत्ता मरता है, बिल्ली, सुअर, बंदर मरता है, तो उसका भी क्रिमिटेरियम उस क्रिमिटेरियम एनिमल क्रिमिटेरियम में किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो एनिमल क्रिमिटेरियम होगा उसमें पुजारी भी होंगे, यानी कि अगर आपका कुत्ता पालतू है, अगर आपका जानवर पालतू है और अगर आप उसका क्रिमिटेरियम हमारे और आपकी तरह ही करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रॉपर व्यवस्था है, वहाँ पर आप जाएंगे, आपको बकायदा एक कूपन दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ रैक्स रखे होंगे जिस पर आपको जो कूपन अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा उस कूपन के बेसिस पे ही वो अस्थियाँ जो हैं वो भी रैक पर रख दी जाएंगी। अगर आप पुजारी से मंत्र पढ़वाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और जो अस्थियाँ हैं उन्हें भी आप विसर्जित कर सकते हैं। यानी ये सारी व्यवस्था साउथ एमसीडी के जो क्रिमिटेरियम बनाया जाएगा उसमें की जाएगी। साथ ही साथ इसमें दो फेंसेस बनाए जाएंगे, एक फेंसेस 150 किलो का होगा, साथ ही साथ अगर कोई पालतू जानवर 30 किलो तक का है तो उसके लिए 2000 का खर्च आएगा और अगर 30 किलो से ज़्यादा वजन का है तो उसके लिए 3000 खर्च आएगा। लेकिन अगर आवारा जानवर है और उसका क्रिमिटेरियम कराना है तो उसके लिए, अगर वो साउथ एमसीडी के अंतर्गत आता है तो उसका क्रिमिटेरियम फ्री में होगा, और अगर वो साउथ एमसीडी के दूसरे नगर निगम में आता है तो उसके लिए केवल 500 रुपये की राशि जो है वो रखी गई है। जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि यहाँ वहाँ क्रिमिटेरियम की व्यवस्था पालतू जानवरों या आवारा जानवरों के लिए नहीं हो पाती, ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए भारत का ये पहला स्मॉल एनिमल क्रिमिटेरियम बनाया जा रहा है जिसके लिए टेंडर जो है वो जल्द से जल्द पारित करने की कोशिश में साउथ एमसीडी लगा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 8 महीनों में ये क्रिमिटेरियम बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन साउथ एमसीडी के अधिकारियों से जब News24 ने बात की तो उनका कहना था चूंकि ये भारत का पहला एनिमल क्रिमिटेरियम है इसलिए कोशिश की जाएगी कि केवल 5 महीने में ही ये बनकर तैयार हो जाए।